मेरे भाई कुछ नहीं खाओगे तो कैलोरी इंटेक नहीं होगा, तो वेट तो लॉस होगा ना। बिल्कुल वेट घटेगा, साथ में आपको प्लस में मिलेगा कमजोरी, आपका ये भी खाना नहीं होगा। ये मेरे समझ से बाहर है कि वाटर फास्टिंग कैसे पॉपुलर हो गया। वाटर फास्टिंग वो है जिसमें आप कुछ भी ना खाओगे और पियोगे सिर्फ वाटर। तो वाटर फास्टिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वाटर को इंटेक करना और कुछ भी नहीं खाना। अगर तुम वाटर फास्टिंग के साथ छोटा भी मिल लेते हो, या चाय या कॉफी भी लेते हो, या एक या दो फ्रूट भी लेते हो, तो वो वाटर फास्टिंग नहीं कहलाएगा। वाटर फास्टिंग मीन्स ओनली वाटर और कुछ भी नहीं। देखिए, फास्टिंग बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन वो तब तक बेनिफिशियल है जब तक आप इसको कुछ ड्यूरेशन में यूज करेंगे, राइट? अगर आप फास्टिंग करते हो 10 घंटे, 20 घंटे या पूरा 24 घंटे, तो ये हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो पहले मैं फास्टिंग के कुछ फायदे के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिलता है। आपके पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, लीवर और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो रेस्ट में होता है और उसका रिपेयर मोड ऑन हो जाता है। एक दिन मतलब 24 घंटे मैक्सिमम है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आराम से 2 या 3 दिन फास्टिंग कर लेते हैं, बट मेरा मानो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है 24 घंटे इनफ है। जैसे ही आप 3 दिन या 4 दिन फास्टिंग करते हो, फास्टिंग के बेनिफिट तो जाते हैं तेल लेने, मतलब बेनिफिट्स तो कम हो जाते हैं और इसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होने लगता है। वो न्यूटन अंकल का लॉ आपको तो पता है ना, वेट आप घटा लोगे ये तो पक्का है, बट कमजोर भी हो जाओगे मेरे भाई। बहुत सारे आर्टिकल्स एंड जर्नल्स आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेट में, 7 दिन या 10 दिन आप वाटर फास्टिंग करो और इतना केजी आप वेट घटाओ, 2 दिन करो 3 दिन करो या 4 दिन करो और इतना केजी वेट आप घट सकते हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मित्रों, हमारे माथे पे यहाँ पर का सिर का है, हाँ? 7 दिन 10 दिन आप नहीं खाओगे, सिर्फ वाटर इंटेक करोगे, नो फूड ओनली वाटर, तो कैलोरी इंटेक 0। वाटर में कैलोरी होता है क्या? तो भाई लोग कमेंट करो, वाटर में कैलोरी होता है या नहीं। तो वेट तो आपके लॉस होगा ही, ये तो बिल्कुल पक्का है। इसके साथ आपको प्लस में कमजोरी भी मिल जाएगा। वेट जल्दी से घटने के चक्कर में आप जब खाना ही छोड़ देते हो, 2-3 दिन या 10 दिन आप वाटर फास्टिंग आप करोगे वो ठीक नहीं है। जल्दबाजी में वेट लॉस करना ठीक नहीं है। वाटर फास्टिंग में आपका वेट लॉस होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का ही है। आप साल भर ना पढ़ो, एग्जाम वाले रात से पहले दिन पूरे रात पढ़ो और 90% मार्क्स पाओ। मेरे भाई कुछ नहीं खाओगे तो कैलोरी इंटेक नहीं होगा, तो वेट तो लॉस होगा ना। बिल्कुल वेट घटेगा, साथ में आपको प्लस में मिलेगा कमजोरी, आपका ये भी खाना नहीं होगा। और वाटर फास्टिंग के बाद जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आओगे, जो वेट तुमने लॉस किए थे वो फिर से दोबारा आ जाएंगे। आखिर कब तक? कभी तो अपना दिमाग की बत्ती जलाओ यार। देखिए, कुछ भी रातों रात चेंज नहीं होता, ना फिजिक ना कैरेक्टर। अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जंक फूड मत खाओ, ज़्यादा तले हुए चीज मत खाओ, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को छोड़ दो, हेल्दी फूड खाओ, जिम ज्वाइन करो। अगर नहीं कर सकते तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, साइकिलिंग करो, और भी बहुत सारे खेल है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बहुत सारे गेम है, आउटडोर गेम है। मगर नहीं, आप तो बस पड़े हो पबजी के पीछे। तो मित्रों, अगर आपने मन बना लिया है कि वाटर फास्टिंग आप करोगे ही, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हफ्ते में 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाओगे और 2 दिन एक के बाद एक नहीं करना है, ओके? 24 घंटे आप वाटर फास्टिंग करोगे,
मतलब संडे को आप वाटर फास्टिंग करते हो तो आप मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे फिर से वाटर फास्टिंग करोगे और बाकी का दिन आप नॉर्मल रूटीन चालू करोगे। तो ये है 5:2 इंटरमीडिएंट फास्टिंग। तो ये आप कर सकते हो, 7 दिन या 10 दिन का वाटर फास्टिंग के चक्कर में आप मत पड़ो, ये सब धोखा है। तो आप क्या सोचते हो वाटर फास्टिंग के बारे में नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।